महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन इस वर्ष नागपुर नगर निगम की ओर से दमकल विभाग द्वारा ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि जवानों में जोश और उत्साह बनाए रखने के लिए ड्रिल प्रतियोगिता कराई जाती है। वहीं नागपुर की 9 टीमों में इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। दमकल विभाग के कर्मचारियों को हमेशा ही अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। उनका काम बेहद ही पेचीदा होता है और इसी के चलते दमकल विभाग के कर्मचारियों में जोश और उत्साह बना रहे, इस उद्देश्य से हर वर्ष दमकल विभाग की ओर से मॉक ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी शहर में नागपुर नगर निगम की ओर से शनिवार मॉक ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस दरमियान विविध क्रियाओं को इस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया। इस संदर्भ में दमकल अधिकारी RD उचके ने अधिक जानकारी दी। नागपूर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागात जवानांमध्ये स्फूर्ती उत्साह कायम राहावा म्हणून ड्रिल कॉम्पिटिशन दरवर्षी घेण्यात येते। मागच्या 2 वर्षापासून ड्रिल कॉम्पिटिशन कोरोनामुळे बंद होते। 2 वर्षानंतर आता परत उत्साह ड्रिल कॉम्पिटिशन आज संपन्न झालेली आहे। त्यामध्ये अग्निशमन जे 9 केंद्र आहेत त्या 9 केंद्राच्या 9 टीम्सनी याच्यात सहभाग घेतला आणि अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आणि एकदम जोशपूर्ण वातावरणामध्ये ड्रिल कॉम्पिटिशन पार पडलेली आहे। या ड्रिल कॉम्पिटिशनमध्ये जे अग्निशमन विभागाचं कार्य आहे त्याच्याशी संबंधित ड्रिल आखण्यात आलेली आहे। ही जी स्टँडर्ड ड्रिल आहे पूर्ण भारत देशामध्ये याच पद्धतीने ही ड्रिल घेण्यात आली। यात गाडीतून होस काढणे, लॅडर पिच करणे, त्यानंतर वजन वरती ओढणे, कॅज्युअल्टीला स्ट्रेचरपर्यंत नेणे आणि परत होस रोल करून पूर्ण मेकअप करून असं एक एकंदरीत पूर्ण ड्रिलचं स्वरूप असतं। आणि आमच्या 9 टीमनी अत्यंत चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे आणि पहिल्या ज्या 3 टीम आहेत त्यामध्ये फक्त सेकंडचं अंतर आहे, त्यामुळे एकदम कॉम्पिटेटिव्ह आणि एकदम हेल्दी पद्धतीने ड्रिल संपन्न झालेली आहे। आणि हा जो उत्साह आहे हा अग्निशमन विभागाच्या कार्यामध्ये रिफ्लेक्ट व्हावा या उद्देशाने ही ड्रिल कॉम्पिटिशन आयोजित करण्यात आले। बता दें कि नागपुर की 9 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, वहीं संपूर्ण देश भर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।